नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ स्मार्टिफाई प्लस होम ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल में, जहाँ हम प्रोवाइड करते हैं अफोर्डेबल होम ऑटोमेशन सॉल्यूशन। आज हम हैं पुणे में मिस्टर एंड मिसेस गोसावी जी के 2 BHK फ्लैट में, जिसका रिसेंटली हमने होम ऑटोमेशन कंप्लीट किया है। तो आइए देखते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। प्लास्टिक स्विचेस तो हम सभी के घरों में थे और कितने सालों से हम इसे यूज़ करते आए, पर इनकी डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। हम लेके आए नए डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के साथ टच स्विचेस, जिसका यूज़ करके आप अपना घर स्मार्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये है टच स्विच। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका पूरा डिज़ाइन ग्लास में बना है, जो इसे एक प्रीमियम लुक देता है। इसे ओवरऑल पूरे घर में एक प्रीमियम लुक आता है। इसे इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है, आपके प्लास्टिक स्विचेस की जगह इसे फिट कर देना है, और इसे यूज़ करना उससे भी आसान है। जैसे मैंने टच किया लाइट ऑफ और टच किया लाइट ऑन। ये स्विच वाईफाई के साथ आता है, तो दुनिया में कहीं से भी हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करके मोबाइल से भी हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। हमने ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है और स्विच को मोबाइल के साथ ऑलरेडी पेयर किया है। जैसे मैं यहाँ से लाइट ऑफ करता हूँ, लाइट ऑफ हो जाती है, ऑन करता हूँ ऑन हो जाती है। इसे हम अपने वॉइस कमांड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, गूगल होम और अमेजोन एलेक्सा जैसी डिवाइस की मदद से। फिलहाल हमारे पास अमेजोन एलेक्सा अवेलेबल है और स्विच को हमने उसके साथ कनेक्ट किया है। तो जैसे मैं कमांड देता हूँ, एलेक्सा टर्न ऑफ LED 1, एलेक्सा टर्न ऑन LED 1, सिंपल। इसके अलावा हम इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, पावर कंजम्पशन हम इसमें चेक कर सकते हैं, अलग अलग सीन्स क्रिएट कर सकते हैं, और अनलिमिटेड ऑटोमेशन हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हो, फिलहाल हमें लिविंग रूम एरिया में और हमने अलग अलग जगह पर ये टच स्विचेस इंस्टॉल किए, जो कि लिविंग रूम की लाइट फैन कंट्रोल कर सकते हैं। एंट्रेंस में हमने 2 स्विचेस इंस्टॉल किए, जो कि आउटडोर लाइट और एंट्रेंस लाइट कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पे बालकनी में 1 स्विच इंस्टॉल किया है, जो कि बालकनी की लाइट कंट्रोल करता है। पैसेज में 1 स्विच इंस्टॉल किया है, जो कि ये पैसेज लाइट कंट्रोल करता है। किड्स बेडरूम में भी हमने लाइट फैन और AC के लिए टच स्विचेस इंस्टॉल किए, जो कि ऐप सपोर्टेड और वॉइस कमांड सपोर्टेड है। सिमिलर स्विचेस हमने मास्टर बेडरूम में भी इंस्टॉल किए, लाइट फैन और AC के लिए, जो कि सारे टच स्विचेस और वॉइस कमांड सपोर्टेड है। ये सारे स्विचेस ऑलवेज इंटरनेट से और आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जिसे हम अलग अलग सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। बाथरूम में हमने स्विचेस के साथ साथ मोशन सेंसर का भी यूज़ किया है। कभी कभी बाथरूम यूज़ करने के बाद हम लाइट बंद करना भूल जाते हैं, तो इससे काफ़ी सारा इलेक्ट्रिसिटी हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में ये सेंसर्स हमारी मदद करेगा। जैसे कोई बाथरूम यूज़ करना चाहता है, दरवाज़ा ओपन करता है, तो लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, और जब तक यूज़ कर रहा है तब तक ऑन ही रहेगी, और यूज़ करने का जब हम डोर बंद कर देते हैं तो लाइट भी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। इससे काफ़ी सारा इलेक्ट्रिसिटी हम सेव कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हमने टच स्विचेस और सेंसर्स का यूज़ करके इस घर को स्मार्ट बनाया। तो आइए जानते हैं इस घर के ओनर श्री अविनाश जी से, कि उन्हें ये ऑटोमेशन कैसा लगा। बेसिकली व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट आवर न्यू होम रिनोवेशन, एक्चुअली we wanted to have something different element built inside the this home, because everybody is now going for a smart technologies. We use all mobile smartphones, and in fact the job where I am working we use a lot of smart technologies. So this thought came in mind that we should have something smart home kind of thing implemented inside the house. I was looking for this home automations, so I was browsing through net, and then I came across Smartify plus Smart Home. Basically, I was looking for a technology such that we can have manual switch on and switch off, so that basic function, irrespective of internet or Wi-Fi, it should work. So I was looking for that functionality, as well as the switches control through our voice commands and through mobiles. And then I came across Smartify. Basically, we implemented this smart automation solution throughout our all rooms, and it's working fine. So it can be controlled through Alexa, it can be controlled through a smart mobiles phone, switching at from any different location in the room. And basically the advantage is that you don't have to touch those switches. Basically it brings the ease of use of
switches. It saves your power, electricity, because now you can switch on, switch off each individual light as per your wish based on your voice command through mobile. And one good advantage that even if you don't have these smart devices available with you, still you can use those as your normal like manual function. It's the all switches are can be worked. And when a lot of people visited our house during our house warming function, so really all people appreciated this thing because this was something new and thing that we implemented all this in all our rooms. At the same time, we used motion sensors inside our bathroom, so you can save electricity. So a lot of these features we implemented. Initially we were little bit we're not sure whether all these things will work or no. We took that risk, but when it came to the end, it's all things are implemented. Everything is working fine. We are very happy with the quality of the switches or hardware quality. It looks very beautiful. It gives a very unique feel to the house, and you know, it's some kind of a different feature or different element we added inside our home decoration. So I'm really thankful to Abhishek for his cooperation during this implementation. And again, there's a good support. Whenever you get problem, he visited and resolved our issues. So that's a good support from him, which is very important part. Even when you are going for any kind of new things to implement it, service support is very important, which is there. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी. हम ऐसे ही अलग अलग स्मार्ट होम प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में देने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे. अगर आप भी अपने घर पर स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट smartifyplus.in पे विजिट कर सकते हैं. आज की वीडियो में बस इतना ही. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिए. मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे स्मार्ट.